हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कल्याणकारी अर्थशास्त्र। स्टार्ट करते हैं। आर्थिक नीतियों का पालन करने से समाज के कल्याण में वृद्धि होती है या नहीं, ये क्या किसमें दिखा देता है? कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी ये दिखा देता है कि इन आर्थिक नीतियों की वांछनीयता है क्या है और अवांछनीयता है, इसी का टेस्ट किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है वो आदर्शात्मक पक्ष पर केंद्रित है। आदर्शात्मक पहलू है उस पर इस कल्याणकारी अर्थशास्त्र ने ध्यान केंद्रित किया है। इसकी तीन थ्योरी हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र, वही पेरेटो की थ्योरी और नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित। प्रतिष्ठित कौन कौन से इकोनॉमिस्ट हैं? मार्शल, पीवीओ, केनन, इनके द्वारा दी गई जो भी थ्योरी है वो प्रतिष्ठित कल्याणकारी अर्थशास्त्र है। सेकंड है पेरेटो की थ्योरी और थर्ड है नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र, जिसमें कार्डर, हिग्स, सीडोस की, इन्होंने जो क्षतिपूर्ति मानदंड की जो थ्योरी दी थी वो है। साथ ही साथ वर्कसन, सेमरसन, टिंटर, एरो, इनके जो सामाजिक कल्याण की थ्योरी है इसका संबंध इसी कल्याणकारी अर्थशास्त्र से है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र में किसकी बात की जाती है? ये देखा जाता है कि क्या होना चाहिए समाज के कल्याण में, क्या उचित है क्या अनुचित है, या नैतिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। कल्याण क्या है? एक मानसिक विचार है, इसलिए मापना इसका संभव नहीं है। सर्वप्रथम बात किसने की? सर्वप्रथम केंटन है, उन्होंने इस कल्याणकारी अर्थशास्त्र के संबंध में सबसे पहले बात की। बाद में प्रतिष्ठित कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, पेरेटो आया और फिर नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्शल। मार्शल की बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का संबंध किससे? मार्शल में, मार्शल से। इन्होंने उपभोक्ता की बचत के आधार पर वो कल्याण का अर्थशास्त्र का संबंध बताया था कि ये यदि उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सेविंग, उसमें वृद्धि हो रही है तो क्या होगा? समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। यानी समाज के आर्थिक कल्याण में वृद्धि का संकेत किससे होगा? उपभोक्ता की बचत से। साथ ही साथ इन्हें उपभोक्ता की बचत के साथ राष्ट्रीय लाभांश के विचार पर भी और आर्थिक आंशिक संतुलन द्वारा भी आर्थिक कल्याण का विचार है वो प्रस्तुत किया था। किसके माध्यम से? सबसे ज्यादा फोकस है इन्होंने उपभोक्ता की बचत पर किया, फिर राष्ट्रीय लाभांश, आर्थिक आंशिक संतुलन पर। इसके बाद में आता है पीगो। पीगो की बुक थी इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर। मार्शल की थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पीगो की थी इकोनॉमी ऑफ वेलफेयर। इन्होंने कहा था कि कल्याण क्या है? एक मानसिक स्थिति चेतना है जिसका संबंध है वो संतोष या उपयोगिता से निर्मित होता है। इन्होंने राष्ट्रीय आय और कल्याण, इन दोनों में सीधा संबंध बताया था और इन्होंने दो मानदंड के आधार व्याख्या की थी कि अगर राष्ट्रीय आय के स्थिर रहने पर आपकी नेशनल इनकम है वो स्थिर रहने पर समाज के धनी वर्ग से निधन वर्ग उसकी ओर अगर आय का ट्रांसफर हो रहा है, आय हस्तांतरण हो रही है, तो आर्थिक कल्याण में बढ़ती होगी। साथ ही साथ उपभोक्ता की जो भी रुचि है और आय के वितरण, ये दोनों परिवर्तित रहते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि है वो आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो जाएगी। तो पीगो ने दो मानदंड दिए थे, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और कल्याण में सीधा संबंध बताया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय आय कल्याण में सीधा संबंध किसने बताया? पीगो ने बताया। इन्होंने साथ ही साथ जो आर्थिक कल्याण है और सामान्य कल्याण, इनमें भी अंतर बताया था कि आर्थिक कल्याण है वो सामान्य कल्याण का ही एक भाग है। सामान्य कल्याण एक विस्तृत शब्द है, वही आर्थिक कल्याण में मुद्रा के मापदंड से संबंधित है। आर्थिक कल्याण है वो विनिमय योग्य वस्तु और सेवा के प्रयोग से प्राप्त हो संतोष से प्राप्त होता है। इन पीगो और मार्शल वाली प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की थ्योरी है उसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचना में फर्स्ट पॉइंट है कि उपयोगिता उसका गणनात्मक गणनावाचक मान्यता है वो अनुचित है, ये मान्य नहीं। उपयोगिता आप यूटिलिटी को गणना कैसे कर सकते हैं? इसको आप क्रम देख सकते हो कि किसी की संतोष, किसी वस्तु को खरीदने से क्या उसकी उपयोगिता है, क्या उससे संतोष प्राप्त हो रहा है, इसको मापा थोड़ी ज्यादा सकता है। इसलिए तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, वही धनी और निर्धन दोनों के लिए अलग अलग होती है। साथ ही साथ इनके जो राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण का उचित मापदंड है वो दिया था पीगो ने, तो वो भी अनुचित बताया क्योंकि मूल्य चेंज होने पर राष्ट्रीय आय है वो चेंज हो जाती है। थर्ड है मूल्यगत निर्णय की व्याख्या इसके माध्यम से नहीं की जाती। फोर्थ है कि व्यक्तियों की समान क्षमता, ये मान्यता इनके थ्योरी की थी तो वो भी नैतिक सिद्धांत पर आधारित है, वास्तविक में ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ इन्होंने आय की सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता को स्वीकार किया। तो आय के सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता को किसने स्वीकार किया है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने। फलस्वरूप क्या होता है कि आय में हुई मात्रा से प्राप्त उपयोगिता धनी और निर्धन दोनों के लिए समान न होकर कैसी होती है? अलग अलग होती है। अब हम पढ़ेंगे पेरेटो इष्टतम, पेरेटो का कल्याणकारी अर्थशास्त्र या फिर पेरेटो का इष्टतम कल्याणकारी अर्थशास्त्र। इसने जो पीगो की मान्यता थी उपयोगिता का संख्यात्मक माप तथा अंतर्व्यक्ति तुलना, इसको दोनों को अस्वीकार किया और उसके बिना यानी उसके स्थान पर इन्होंने उपयोगिता का क्रमवाचक विचार है वो प्रस्तुत किया था। इनका कहना था कि हमें सबके प्रति नेकी करनी चाहिए। तो ये वाला कथन बहुत बार पूछा जाता है कि हमें सबके प्रति नेकी करनी चाहिए, ये किससे संबंधित है? तो ये पेरेटो से संबंधित है, पेरेटो कल्याणकारी अर्थशास्त्र उसके संबंध है। साथ ही साथ इनके जो सिद्धांत है वो मूल्य मुक्त सिद्धांत नहीं, इनके सिद्धांत का भी एक कमी है कि इनका सिद्धांत वो मूल्य मुक्त सिद्धांत नहीं। इन्होंने बताया था कि अन्य व्यक्ति को पहले से आप बुरी स्थिति में लाए बिना हर व्यक्ति को पहले से अच्छी स्थिति में नहीं ला सकते। एक व्यक्ति है उसको पहले से बुरा लाना होगा तभी आप किसी अन्य व्यक्ति को अच्छी स्थिति में ला सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने बताया था कि उत्पादन और उपभोग में इष्टतम बिंदु किससे होगा? उपयोगिता संभाव्यता वक्र से होगा, उपयोगिता संभाव्यता वक्र इस तरह से होगा।
उपयोगिता समझ तो क्या होता है? वस्तुओं के एक निश्चित समूह से है जो दो व्यक्तियों द्वारा प्राप्त यूटिलिटी उसके विभिन्न संयोगों को बिंदु पर है। दो व्यक्ति उनके लिए कौन को अलग अलग यूटिलिटी हो सकती है? इनकी पेरेटो वाला जो कंडीशन है वो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सही रहती है। साथ ही इन्होंने सामाजिक कल्याण के लिए अनुकूलतम वितरण है उसमें भी बहुत अधिक फोकस किया था। क्रियात्मक माप का संबंध भी इनकी यूटिलिटी से है। साथ ही इनकी जो यूटिलिटी वो संभावित कल्याण का विचार प्रस्तुत किया था। विश्लेषण उपभोग और उत्पादन तक ही इनका सीमित था। पेरेटो के बाद में आता है नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्री। इन्होंने पेरेटो वाले की जो कमियां थी कि एक नीति चेंज हो जाए तो एक व्यक्ति वर्ग को लाभ होगा या दूसरे को हानि, तो इस स्थिति में सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी या कमी, ये पेरेटो मापदंड है वो नहीं बताता। तो इसकी इस कमी को दूर करने के लिए सत्यपूर्ति सिद्धांत है वो आया, और ये केल्डर हिक्स सीटोवस्की है वो अर्थशास्त्री इससे संबंधित है। जो नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र है वो यूनिक सोल्यूशन है वो देने में सक्षम है। इनकी थ्योरी है वो क्रमवाचक विचार पर है। इन्होंने कहा था कि जो यूटिलिटी है उपयोगिता उसको मापा संभव नहीं जा सकता, इसलिए संख्यात्मक नहीं है। इन्होंने क्या दिया? क्रमवाचक विचार दिया। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है दूसरे को हानि हो रही, तो लाभ है वो अधिक होना चाहिए हानि से, तो समाज कल्याण में ज्यादा होगा, समाज कल्याण है वो भी बहुत अधिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिटोवस्की का दोहरा मापदंड या फिर संभावित कल्याण। सिटोवस्की है वो नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो इन्होंने दोहरे मानदंड या फिर संभावित कल्याण की बात की थी। इनके दो मानदंड कौन कौन से? इन्होंने कार्डर हिक्स मानदंड के अकॉर्डिंग जांच करने के लिए ये प्रयोग किया जाना चाहिए कि अक्स स्थिति से वाई की स्थिति पर जा रहे हो तो सामाजिक कल्याण में की मात्रा में सुधार होता है या नहीं, ये चेक करना चाहिए। साथ ही इन्होंने बताया कि समाज को वाई स्थिति में है तो इससे वापस होने अक्स स्थिति में आ रहे हो तो सामाजिक कल्याण के सुधार की दृष्टि से ये वांछनीय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लिटिल। लिटिल ने ना पहले वाले जो सत्यपूर्ति सिद्धांत है कार्डर हिक्स वाले उसकी आलोचना की। उन्होंने बताया कि जो सत्यपूर्ति सिद्धांत है वो संभाव्य कल्याण में परिवर्तन की व्याख्या करता है, वास्तविक कल्याण में परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता। तो वास्तविक कल्याण का कंसेप्ट किसने दिया? लिटिल ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है वास्तविक कल्याणकारी अर्थशास्त्र है या फिर वास्तविक कल्याण का कंसेप्ट है वो किसने दिया? लिटिल ने दिया था। इन्होंने कहा था कि परिवर्तित स्थिति जो कंडीशन चेंज हो रही है उसमें वितरण है वो अपेक्षाकृत अधिक न्यायपूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ परिवर्तन के कारण समाज के एक वर्ग को होने वाला लाभ है वो दूसरे की जो हानि हो रही है उसकी अपेक्षा अधिक होना चाहिए। जो लाभ है वो अधिक होना चाहिए हानि की अपेक्षा। नेक्स्ट आता है वर्गसन, सेमुएलसन और टिंटन द्वारा दिया गया सामाजिक कल्याण। तो सामाजिक कल्याण फलन का संबंध किसे है? तीन अर्थशास्त्री वर्गसन, सेमुएलसन और टिंटर से। वर्गसन का एक लेख था ए रिफॉर्मुलेशन ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इन्होंने इसमें बताया था कि सामाजिक कल्याण फलन के प्रतिपादन के आधार पर उत्पादन जो प्रोडक्शन हो रहा था तथा विनिमय जो एक्सचेंज हो रहा है इसकी जो भी अनुकूलतम शर्तें हैं वो अधिकतम कल्याण के लिए शर्त है वो स्वीकार की जाती है। इनकी जो भी व्याख्या है वो स्पष्ट मूल्यगत निर्णय है उन पर आधारित है। साथ ही साथ क्रमवाचक उपयोगिता उस पर भी निर्भरता है, अंतर व्यक्ति तुलना भी कर सकती है। कुछ इंपोर्टेंट नोट्स है। फर्स्ट है जेके एरो। जेके एरो ने दिया था असंभावित सिद्धांत। कब दिया था? 1951 जब अपनी फर्स्ट पंचवर्षीय प्लान है वो अप्लाई हो रहा था, लागू हो रहा था, तब असंभावित सिद्धांत आया। संभावित सिद्धांत पहले सिटोवस्की ने दिया था, असंभावित सिद्धांत इनका है। इनकी बुक थी सोशल चॉइस ऑफ इंडिविजुअल वैल्यू। इन्होंने सामाजिक से व्यक्तिगत मूल्य का विचार है वो प्रस्तुत किया था। तो व्यक्तिगत मूल्य का विचार है किसने दिया ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है जेके एरो ने दिया था। एरो ने कहा था कि एक व्यक्ति अपना कल्याण उसके सापेक्ष उपभोग है उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है जेके मेहता वाला। इसका संबंध स्थितिक प्रायोगिक जो समय उससे संबंध है। तो स्थितिक समय है वो अपने आप को विचाराधीन समयावधि के बाद बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है सर्वसम्मत नियम का संबंध किससे? तो आंतरिक व्यापार से। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय।